साल 1991 स्टेफिना गुरटेस लाजारो नाम की इस लड़की की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी और उसकी मौत के बाद शुरू हुआ भूतिया और रहस्यमय घटनाओं का वो सिलसिला जिसे पुलिस भी नहीं सुलझा पाई। खुद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस पूरे केस में एक आत्मा को और दूसरी दुनिया की काली शक्ति को दोषी बताया। शायद ये इतिहास का ऐसा इकलौता केस है जहां खुद पुलिस ने मान लिया है कि भूत होते हैं। इस घटना पर नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है वेरोनिका। तो जानते हैं वेरोनिका फिल्म की असली कहानी, एक ऐसी फिल्म के पीछे की सच्ची घटना जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म माना जाता है। और यकीन मानिए मैं आपको बाकी वीडियोस की तरह पकाऊंगा नहीं, जहां पर असली कहानी के नाम पर आपको सिर्फ फिल्म की कहानी सुना दी जाती है। आज मैं आपको बिल्कुल असली स्टोरी बताने वाला हूं विद फैक्ट्स। तो डरने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का सच में सबसे ज्यादा फाड़ू वीडियो। स्टेफिना 1990 में करीब 18 साल की थी और उसने कॉलेज जाना शुरू ही किया था, और कॉलेज जाने के साथ साथ उसके बर्ताव में बड़े अजीब से चेंजेस आने लगे थे। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, उसके माँ बाप और 2 भाई बहन। स्टेफिना का पूरा नाम स्टेफिना गुरटेस लाजारो है, ये मैड्रिड में रहने वाली थी। स्टेफिना कुछ अजीब सा ही बर्ताव करने लगी थी, वो अपने भाई को देख कर गुर्राने लगी थी, उस पर अटैक करती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसकी दीवारें लकड़ी की बनी हुई थी। स्टेफिना अपने नाखूनों से उन लकड़ी की दीवारों को नोचती रहती थी, इससे उसके भी नाखून टूट जाते थे और उसके हाथ घायल हो जाते थे। स्टेफिना बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। वो रात में रोती थी, कभी कभी डर के उठ जाती थी, चीखती थी, तरह तरह की आवाजें निकालती थी, और इन सब से उसका भी परिवार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्टेफिना के साथ हो क्या रहा है। उसके घर वालों ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, वो बीच में ठीक हो जाती लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसको वैसा ही दौरा पड़ता। उसके परिवार वालों ने स्टेफिना को कई डॉक्टरों के पास भी दिखाया लेकिन किसी तरीके की कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। हालांकि वो लोग थोड़े धार्मिक तरह के थे तो उन्होंने स्टेफिना को फादर्स को भी दिखाया लेकिन फादर भी कोई समाधान या कोई सोल्यूशन नहीं दे पाए। धीरे धीरे करके स्टेफिना की हालत खराब होती जा रही थी, उसकी सेहत भी बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। घर वालों को भी समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। उन्होंने जब स्टेफिना के कमरे की जांच की तो पता चला कि वो काले जादू की प्रैक्टिस करना सीख रही थी। उसके रूम में उन्हें काले जादू से रिलेटेड कई सारी किताबें मिली। उनको पता चला कि ओइजा बोर्ड का यूज करके वो आत्माओं से बात करती थी। स्टेफिना ने उन लोगों से बात करते समय कुछ अजीब अजीब चीजों के बारे में बताया, कुछ अजीब मानवीय रूपों के बारे में बताया, कुछ ऐसी आकृतियां, कुछ ऐसे साये जो रात में उससे मिलने के लिए आते थे। उनके चेहरे नहीं होते थे और वो काले रंग का एक लबादा पहने हुए रहते थे। स्टेफिना ने बताया कि ये साये उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते थे। स्टेफिना के माता पिता उसको अलग अलग अस्पतालों में ले गए लेकिन उसकी बीमारी के बारे में कोई सलूशन मिला ही नहीं। इन सब घटनाओं को करीब 6 महीने बीत चुके थे। 13 जुलाई 1991 को स्टेफिना ने अपनी बहन मारिया नेला पर हिंसक रूप से हमला किया और उसके अगले दिन 14 जुलाई को उसको एक अजीब सा दौरा पड़ा जिसके बाद वो कोमा में चली गई। उसके माता पिता तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए जहां पर करीब 3 हफ्ते तक उसको रखा गया। डॉक्टरों ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा, उसकी पूरी जांच की, साइकाइट्रिस्ट ने भी उसको चेक किया लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, हॉस्पिटल में उसे किसी तरीके का कोई दौरा नहीं पड़ा। उसके माँ बाप भी खुश थे कि शायद अब स्टेफिना ठीक हो गई है, लेकिन तभी अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह को अचानक और संदिग्ध मौत बताया और डॉक्टर्स खुद भी उसकी हॉस्पिटल में हुई मौत का रीजन नहीं बता पाए। लेकिन स्टेफिना की मौत के बाद तो घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई। गुरटेस हाउस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। जिस कमरे में स्टेफिना रहती थी वहां से रात में चीखने की आवाजें आती थी। रात के समय ठंडी हवाएं चलती थी उस कमरे के अंदर। उसके माँ बाप ने किसी काले साये को वहां पर दीवार पार करते हुए देखा। चीजों का टूट जाना, कांच की चीजों का टूट कर बिखर जाना, दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, ये सारी घटनाएं तो उनके घर में आम हो चुकी थी। मतलब उनका घर नहीं भूतिया घर बन चुका था। देखो ये सारी बातें सुनने में मजेदार लगती हैं लेकिन जब किसी के ऊपर बीतती है ना तो ऐसे घर में एक सेकंड भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टेफिना के पेरेंट्स
काफी हिम्मत वाले थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात पर विश्वास था कि ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उनकी खुद की लड़की की है। स्टेफना खुद अपने घर में रह रही है और उनको कुछ बताना चाह रही है। 1 नवंबर 1993 को स्टेफना की मृत्यु के करीब 2 साल बाद उसके लिविंग रूम में लटकी हुई उसकी तस्वीर में आग लग गई और स्टेफना की तस्वीर का केवल वो हिस्सा जल गया जिसमें उसका चेहरा था। अपने आप उस तस्वीर ने आग पकड़ ली और ये नजारा स्टेफना के पूरे परिवार ने अपनी आंखों से देखा। न पूरी तस्वीर जली, न फ्रेम में आग लगी, कांच के अंदर ही अंदर केवल स्टेफना का चेहरा जल गया और वो तस्वीर कुछ ये है। हालांकि इस घटना को अभी बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं इसलिए इस तस्वीर की हालत भी खराब है, लेकिन उस समय इस तस्वीर का केवल चेहरा जला हुआ था जो आप आज भी साफ साफ देख सकते हो। एक दिन रात के समय अचानक स्टेफना की माँ के ऊपर किसी अनजान सी शक्ति ने जानलेवा हमला किया, उनकी जान लेने की कोशिश की और उसके बाद स्टेफना के परिवार को यकीन हो गया कि उनके घर में जो भी कोई घूम रहा है वो स्टेफना नहीं बल्कि कोई और ही है। उन्होंने फाइनली फिर पुलिस को बुलाया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय मेरे रूम में कोई नहीं है और इस पूरी कहानी को एक्सप्लेन करते समय मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा है, कुछ अलग ही फील आ रहा है। स्टेफना की मौत के बाद उनके कॉलेज की एक टीचर जो कि नन थी, उन्होंने आकर बताया कि आखिर स्टेफना कॉलेज में ऐसा क्या करती थी जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आ गया था। स्टेफना के करीब 3 या 4 खास दोस्त थे जिनमें से कि एक दोस्त के बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी। शायद उसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हुई थी और वो दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती थी। उसको पता था कि स्टेफना काले जादू की प्रैक्टिस करती है, वो ओइजा बोर्ड के थ्रू उसकी उसके बॉयफ्रेंड से बात करा सकती है और एक दिन ये सभी दोस्त मिलकर यही प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी किसी टीचर ने उन्हें ये करते देख लिया और उनको वहां से हटा दिया। बाद में उस ओइजा बोर्ड को तोड़ दिया, लेकिन ओइजा बोर्ड को जब उस टीचर ने तोड़ा तो उसके अंदर से एक धुआं निकला था और वो धुआं स्टेफना के शरीर के अंदर चला गया था और ये घटना होते हुए स्टेफना के दोस्तों ने देखी थी। हालांकि किसी ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब स्टेफना की रहस्यमय घटनाओं की वजह से मौत हो गई तो बाद में उनकी टीचर ने आकर उनके पेरेंट को ये सारी बातें बताई। ये सारी बातें स्टेफना के पेरेंट ने पुलिस वालों को भी बताई। 27 नवंबर 1993 को पुलिस को बुलाने का फैसला किया गया। इंस्पेक्टर जोस नेगरी और उनकी टीम रात को घर पर पहुंच गई। बारिश में उन्होंने पूरे परिवार को घर के बाहर खड़े हुए देखा। कुछ लोग घर के अंदर इंस्पेक्शन करने गए और बाकी लोगों ने उनसे पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो स्टेफना के रूम में जो जीसस की तस्वीर लगी थी वो अपने आप घूमकर उल्टी हो गई और ये किसी मूवी का सीन नहीं, ये खुद पुलिस की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। उनके सामने ही उस बेड पर जब छोटा भाई बैठा तो वो अपने आप हवा में उठ गया। और भी बहुत सारी डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई स्टेफना के रूम में और ये सब देखने के बाद पुलिस ने खुद फैसला किया कि इन सारी घटनाओं के पीछे कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इन लोगों को घर छोड़कर जाने के लिए डरा रहा है, बल्कि इसके पीछे वाकई में कोई दूसरी शक्ति है। पुलिस वालों ने खुद अपनी रिपोर्ट में इन सारी चीजों को मेंशन किया और स्टेफना के परिवार को ये सजेशन दिया कि आप इस घर को छोड़कर चले जाइए। हालांकि इन सारी घटनाओं के बाद ये पूरा परिवार इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो खुद घर छोड़कर जाना चाहते थे और अच्छी बात यह है कि उन्होंने जब घर छोड़ा तो उसके बाद उनके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। तो ये थी स्टेफना की पूरी कहानी जिसके ऊपर वेरोनिका फिल्म बनी है जो दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये फिल्म 100 लोगों को दिखाते हैं तो उसमें से केवल 2 या 3 लोग ही इसे पूरी देख पाते हैं। इस फिल्म को देखते समय कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत भी हो चुकी है। तो बहुत सारे YouTube वीडियोस पर आपको वेरोनिका की ओरिजिनल कहानी के नाम पर केवल फिल्म की कहानी सुनने को मिलती है। आज मैंने आपको जो कहानी बताई वो 100% सच है और ये मानव इतिहास की शायद पहली और इकलौती ऐसी घटना है जहां पर खुद पूरे इंस्पेक्शन के बाद पुलिस ने भी मान लिया था कि ऐसी कोई चीज है जो उनकी समझ से बाहर है, कोई ऐसी शक्ति है जिसने स्टेफना को कई सालों तक परेशान किया और वही उसकी मौत की वजह बनी। गुरेटेज हाउस आज भी बंद पड़ा है, वीरान है, वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और वैसे भी ऐसी जगह पर कौन जाना चाहेगा। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो देखने में आपको डर जरूर लगा होगा और कैसी लगी आपको स्टेफना की पूरी सच्ची कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। तो भैया वीडियो खत्म हो चुका है और आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि टाइम पास करना होना तो कुछ और सीख लेना, लेकिन ये काला जादू वगैरह इन सब के चक्करों में कभी मत पड़ना क्योंकि इनसे फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। और आज की जो कहानी आपने सुनी होगी उससे तो ये बात 100% प्रूफ हो गई है। तो अपना ख्याल रखो, मस्त रहो और खुश रहो।